दोस्तों अभी हाल ही में रूस ने भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत को बहुत तगड़ा झटका लगा है। तो दरअसल जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड कच्चा तेल खरीद रहा था और उसे यूरोपियन देशों को बेच रहा था जिससे भारत मोटा पैसा कमा रहा था। लेकिन ये अब और नहीं होने वाला क्योंकि रूस ने अब कच्चे तेल पर भारत के लिए सभी डिस्काउंट को खत्म कर दिया है और साथ ही रूस ने कहा है कि भारत के लिए डिस्काउंट खत्म किया गया है लेकिन चीन और पाकिस्तान को डिस्काउंटेड कच्चा तेल मिलता रहेगा। अब ये सब शायद रूस चीन के दबाव में आकर कर रहा है लेकिन भारत के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो अब रूस से कच्चा तेल ना खरीदे बल्कि ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दे क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने कहा है कि हम भारत को क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट देने को तैयार हैं। फिलहाल रूस ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया कमेंट्स में जरूर बताइएगा।